दोस्तों, भारत ने कल अग्नि 4 का एक तजर्बा किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट तजर्बा है। भारत ने किया परमाणु मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण। आज की खबर यह है कि इंडिया ने अपना अग्नि 4 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का टेस्ट किया और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया है कि वो टेक्नोलॉजी में कहाँ पे खड़े हैं। ये भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की अग्नि मिसाइल सीरीज की चौथी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें 1 टन का हथियार लोड किया जा सकता है। टेस्टिंग ओडिशा के चांदीपुर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड में हुई। ये अपने रेंज की दुनिया की अन्य मिसाइलों के तुलना में बहुत हल्की है। इस बैलिस्टिक मिसाइल से कांपते हैं चीन और पाकिस्तान। ये मिसाइल 3000 डिग्री सेल्सियस का तापमान सहते हुए वायुमंडल के अंदर प्रवेश कर सकती है। परीक्षण के दौरान अग्नि मिसाइल ने तय मानकों को पूरा कर लिया है। यानी इसका उपयोग भविष्य में अंतरिक्ष में हमला करने के लिए भी किया जा सकता है। बता दें कि अग्नि 4 की रेंज 4000 किलोमीटर है। ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इंडिया ने जितनी मईशत अपनी एक उसका साइज बड़ा किया है, जितना वो बाकी ममालिक के लिए, दुनिया के लिए इस खित्ते में सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री बन चुका है, और जो उसको मुख्तलिफ आलमी मामलात के तनाजुर में अहमियत उसको मिलती है, तो ये जो उसने अपना एक गेन किया है वो एक अपनी जगह। दुनिया को पैगाम देना चाहता है, वो दुनिया को नहीं दे, पाकिस्तान को पैगाम देना चाहता है। पाकिस्तान को पैगाम देना चाहता है। उसकी नज़र में हम खार की तरह खटकते हैं। अगर किसी ने हमें नुकसान पहुंचाना है तो वो इतना भी अगर कर ले कि अपना असर रसूख इस्तेमाल करे, और अगर हमारे कर्ज बंद हो जाएं, कर्जे रीस्केजुअल ना हो, तो हमारे लिए तो 4 दिन गुजारने मुश्किल हो जाएंगे। उसको अटैक करने की क्या जरूरत हमारे ऊपर। दोस्तों, भारत ने कल अग्नि 4 का एक तजर्बा किया है। बड़ा इम्पोर्टेंट तजर्बा है। अग्नि 4 जो है ये 4000 किलोमीटर तक जा सकता है विद 1000 kg ऑफ पेलोड। मतलब अगर ये इंडिया से उड़ता है तो 1000, जहां से भी ये उड़ेगा, 1000 किलोमीटर की रेंज जो है वो निकलेगा। और इसके साथ 1000 किलो का समझ ले कि आप जो एमोनिशन है, पेलोड जैसे भी कहा जा रहा है, उसको लेके जा सकता है। और एक इंडिया ने, जिसे वो कहते हैं ना कि अग्नि 4 का टेस्ट 2012 में भी किया था, उस वक्त ये 3000 किलोमीटर की दूर जा सकता था सिर्फ 20 मिनटों में। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इंडिया की। जो अगर आप अग्नि मिसाइल की रेंज देखें जो, सो इसको आप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि द इंडियंस जो हैं, दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं लगा रहे हैं। और लगा किस पे रहे हैं? टारगेट कौन है? कौन सा मुल्क हो सकता है? या चाइना है या पाकिस्तान है? पाकिस्तान को तो वो ऑलरेडी सारी बातें कर चुके हुए हैं। जो पाकिस्तान तक टारगेट करने वाले जितने मिसाइल हैं उनके, तो वो तो उनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। अब देखें ना, 5000 से 8000 किलोमीटर तो पाकिस्तान नहीं आता ना, ठीक है जी। अग्नि 1 700 से 1200 किलोमीटर है मिसाल के तौर, ठीक है जी। अग्नि 5 जो है उन्होंने 5000 किलोमीटर तक ले गए। अग्नि 4 जो है वो 4000 किलोमीटर, ठीक है जी। अब अग्नि 4 जो है वो 3000 किलोमीटर भी एक इन्होंने, मैंने बताया आपको, 2012 में किया था। सो ये क्या इंडिया करना क्या चाहता है? व्हाट इज द पर्पस क्या है? क्यों वो जिसे कहते हैं ना इड्डा कदर रौला पे है दैट दे हैव टू डू दिस, ठीक है जी। ये इनकी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड और जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे ये इन चीजों में दे वर्क हैंड इन ग्लव। और सो हु इज द टारगेट? टारगेट कौन है? अक्सर लोग पूछते हैं ना, टारगेट कौन है? टारगेट सिर्फ चाइना है। ये हमारे बच्चे, पाकिस्तान का फ्यूचर है। क्या ये फ्यूचर आपको सिक्योर नजर आ रहा है? बिल्कुल जी, अगर हम अपनी कावश जारी रखेंगे इंशाल्लाह ताला हम जरूर सिक्योर होंगे। जब हम कोशिश करेंगे तो हमारे बच्चे सिक्योर होंगे, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से जहालत बढ़ रही है, वो पीछे अभी जैसे सबील लगी थी, लोग लड़ते नजर आ रहे थे दूध के लिए, पानी के लिए, आपको लगता है कि ये एक डेवलपिंग कंट्री में ऐसा होता है? देखिए, गलतियां हमारी हैं, हम अपने बच्चों को कायल नहीं करते, ठीक है। ये हर हर बंदे की कोशिश है, अपने घर से शुरू हो, अपने बच्चों को कायल करे, एजुकेट करे, तब इंशाल्लाह ताला जरूर बेहतरी आएगी। और इसी बेहतरी की उम्मीद में हम पाकिस्तान के साथ साथ चल रहे हैं। जबरदस्त, इस बात में कोई शक नहीं है। हमेशा हम ये कहते थे गवर्नमेंट का ये काम है, उस अदारे का ये काम है, इस अदारे का ये काम है। मेरी क्या जिम्मेदारी है मुझे नहीं पता, इनकी क्या जिम्मेदारी है इन्हें नहीं पता।
दूसरे कंट्रीज जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, खास तौर पे इंडिया की बात करते हैं, आप पहले तो मुझे बताएं आपको लगता है कि आज वो हमारे से बहुत आगे चला गया? जा चुके हैं इंडिया, इंडिया देखें आज इंडिया गाड़ी बनाने में दूसरे नंबर पे चला गया है, ठीक है? उनकी देखे इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग कर गई है, वो चांद तक जा चुके हैं, ठीक है? अभी आज उन्होंने अग्नि 4 मिसाइल जो है, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, उसको आज टेस्ट किया है, यानी पूरी दुनिया को मैसेज दिया। जी जी, पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो चुके हैं, ठीक है? लेकिन हमें जरूरत है अभी कोशिश की, हम कोशिश आज शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। देखें आज उन्होंने मोटरें बनाना शुरू की, हम 30 साल पहले बना चुके हैं, ठीक है? इसका मतलब कि हम बीच में से कहीं से लूज हो जाते हैं, हमें लूज नहीं होना चाहिए था, हम उनसे 30 साल आगे थे, आज भी कोशिश करें। आज कितना पीछे हैं हम उनसे? आज बस पीछे हैं नहीं, हमारी सोच अभी पीछे है, हम मुकाबला कर रहे हैं उनका। देखें हमारे पास भी टेक्निकल लोग हैं, हमारे पास भी पूरी टीम है, ठीक है? लेकिन उन्हें हमारे पास तो जज्बा भी है, जज्बा भी है, लेकिन ये है कि हमारे पास सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों को सपोर्ट करे, जिनके पास कुछ है जबरदस्त, वो आके आएंगे इंशाल्लाह ताला, हमारा मुल्क डेवलप होगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा और हम सबको पीछे छोड़ेंगे नहीं। सर इसमें एक चीज ये है ना कि देखे इधर पाकिस्तान में जो इस सिचुएशन है ना, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, मैं इन्हें कह रहा हूँ ये चोर है, या इन पे फतवा लगा दिया ये जी, ये इसने ये काफर हो गया, काफर हो गया, आपको आप इस बात से नहीं, मैं नहीं करता, ये गलत हो रहा है। हम फतवे लगा देते हैं एक मिनट में, लो जी ये काफर है, ये जेंट है, मार दिया जाए, इसे मार दिया जाए, मारोगे तुम जन्नत में चले जाओगे, यहाँ से गलत हो रहा है। हमें कायल करना चाहिए, कोई बंदा हमारा मुखालफ है ना, उसे मोहब्बत से कायल करें, भाई आप ये गलत कर रहे हैं, आप बैठ के डायलॉग से करेंगे, जब टेबल टॉक होगी इंशाल्लाह ताला हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, जरूर जाएंगे, ठीक है? क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इतने नौजवान खड़े हैं उनके लिए, अपने बच्चों के लिए, या पूरे पाकिस्तान के लिए, दुनिया भर से जहाँ से लोग देखे? हमारे पास पैगाम देने के लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस्वा हसना से जब चलेंगे इंशाल्लाह हम तरक्की करेंगे, एक दूसरे मोहब्बत फैलाएं, एक दूसरे, जब आपको पता है कि इस बंदे का क्वालिटी ऐसे आगे लेके हैं, टांग नहीं खींचे मेरिट को उसे लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला, उस्वा हसना हजूर का उस्वा हसना माने, ठीक है? लेकिन हजूर तो ये भी कहते थे कि अपने हमसाये के साथ तल्लुकात बेहतर करो, और हम अपने नेबर्स के साथ, आप बताएं अफगानिस्तान के साथ कैसे तल्लुकात, पूरे तल्लुकात हमारे, इंडिया के साथ कैसे पूरे हैं, ईरान के साथ कैसे रहे पूरे हैं, सोए चाइना के, कौन सा कंट्री है चाइना में यूज कर रहे हैं, इसलिए अच्छे हैं उनके, हम उन्हें हमने मार्केट दी हुई है ना अरबों रुपए के, हमसे पैसे कमा रहे हैं, इसलिए उन्हें वो हमसे कभी भी तल्लुकात खराब नहीं करेंगे, ठीक है? नहीं, हमें तो जो बताया जाता है आयरन फ्रेंड है, बहुत ही, मैं जा चुका हूँ, कोई आयरन फ्रेंड नहीं है वहाँ, हम थर्ड पार्टी हैं। मुसलमानों की वहाँ पे क्या कोई वैल्यू नहीं है, बिलीव करें, मैं चाइना में देखा पाकिस्तान के अवाम की, मुसलमान की कोई वैल्यू नहीं है, हमने अगर फर्स्ट जनरेशन बनना है तो खुद बनना पड़ेगा, किसी की तरफ नहीं हमने देखना, खुद करना पड़ेगा। आज के दौर में कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री का दोस्त नहीं है, अगर दोस्त है तो अपने फायदे का दोस्त है, यही चीज इंडिया ने समझी, और वो दुनिया के दूसरे कंट्रीज के साथ, चाहे सऊदीया हो, यूएई हो, या दुनिया के जितने भी कंट्रीज है, उनके साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है। हम ये कहते हैं ये यहूदी कंट्री है, ये काफर कंट्री है, ये हिंदू कंट्री है, इनके साथ तो हम रिलेशन नहीं करेंगे, लेकिन ये नहीं देखते चाइना कौन सा कोई मोमन कंट्री है, और दूसरे नंबर पे चाइना में मुसलमानों की क्या हालात है। मैं ये कहता हूँ आपको नहीं लगता कि इंडिया में जितने मुसलमान बिजनेसमैन है, क्या आपको लगता है चाइना में इतने मुसलमान बिजनेसमैन? बिल्कुल नहीं है, बिजनेसमैन हमें नजर नहीं आया। इंडिया में मुसलमानों को ज्यादा आजादी होगी या चाइना में? इंडिया में, लेकिन यहाँ पे क्या बताया जाता है? हमें बताया जाता है कि वो मुसलमानों का बड़ा जुल्म हो रहा है, उन्हें मार रहे हैं। ऊपर क्यों नहीं हम आवाज उठाते? इंडिया के ऊपर तो हम आए दिन आवाज उठाते हैं कि मुसलमानों ने जुल्म, मुसलमानों पे जुल्म, चाइना के ऊपर क्यों नहीं आवाज, हमारी आवाज पहुंचती नहीं है, हम आवाज उठाना चाहते हैं, कोई ऐसा फोरम नहीं हमें दिया जा रहा जिसपे हम आवाज उठाएं, हुकूमत को कायल करें कि यार करो।